आज नगर पालिका के हाट मैदान के ब्लॉक बी के 15 दुकानदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष से अपनी दुकानों के आवंटन को लेकर मुलाकात की। दरअसल मामला ये है कि 23/12/2020 में नगर पालिका द्वारा हाट मैदान की ब्लॉक बी की 35 दुकानों का ऑफर मंगवाया गया था, जिसके ऑफर खोले गए थे, जिसमें प्रत्येक दुकान के लिए 20 लाख प्रीमियम राशि निर्धारित की गई थी। 105 दुकानों के ऑफर नगर पालिका को प्राप्त हुए। नगर पालिका ने उच्चतम ऑफर को जोड़कर औसत निकाला और 30 लाख से कम राशि की दुकानों के ऑफर को निरस्त कर दिया। ऐसे में 19 दुकानों के ऑफर निरस्त कर दिए गए और 30 लाख से अधिक राशि की 14 दुकानों के ऑफर को स्वीकृति दी गई। 19 दुकानदारों ने असहमत होकर एसजेएम कोर्ट में 323 में नगरपालिका के विरुद्ध अपील की। अपील पर एक साल तक सुनवाई चलने के पश्चात प्रकरण को निरस्त कर दिया गया। इन 19 दुकानदारों में से 15 दुकानदारों ने पुनः राज्य शासन में अपील की, जिस पर राज्य शासन के द्वारा दुकानदारों के पक्ष में फैसला दिया गया। हाल ही में नगरपालिका की तीसरी बैठक में इसे लेकर 18 दुकानदारों को दुकान देने का प्रस्ताव लाया गया। सवाल ये उठता है कि राज्य शासन द्वारा सिर्फ 15 के पक्ष में फैसला दिया गया था, एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में केस लगाया गया है, अन्य दो व्यक्ति द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिषद में जो प्रस्ताव लाया गया उन सभी दुकानदारों को लेकर विधिक राय के संबंध में था, जिस पर दुकानदारों ने आज नगरपालिका अध्यक्ष से मुलाकात की। मामला 2 साल पूर्व का है। 2 साल पूर्व नगरपालिका ने ऑफर मंगाए थे हाट मैदान के ब्लॉक नंबर 2 के 35 दुकानों के लिए ऑफर मंगाए थे। 35 दुकानों में से 33 दुकानों के लिए 105 ऑफर आए थे, जिनमें से 2 दुकानों पर ऑफर नहीं आए थे। 33 दुकानों के भिन्न भिन्न ऑफर आए थे। 22 लाख रुपए से लगा के 35-36 लाख रुपए तक ऑफर आए थे, जिन ऑफर में पूर्व CMO CP राय साहब और उस समय नगर पालिका अध्यक्ष कोई नहीं था तो प्रशासक थे, तो इन लोगों ने उन 32 ही दुकानों का जो ऑफर आया उच्चतम, उन सबको जोड़कर 32 का भाग लगा दिया तो एवरेज 30 लाख रुपए के आसपास उनका आया। तो ये जो ऐसा कानून था जो कहीं पर नहीं है एवरेज निकालने का, तो इन्होंने एवरेज निकाला था, इसके अंतर्गत 30 लाख से नीचे की दुकानों वालों को निरस्त कर दिया था, जबकि न्यूनतम कीमत इन्होंने 20 लाख रुपए रखी थी, जिसके खिलाफ हम अपर कलेक्टर के पास गए थे। अपर कलेक्टर ने एक साल तक हमारी सुनवाई करने के बाद हम उस चीज़ को निरस्त ये कर दिया था कि भाई मैं प्रशासक के आदेश के खिलाफ हम सुनवाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने तटस्थ रहकर उस निर्णय को खारिज कर दिया था। तो उसके खिलाफ हम 19 लोगों में से 15 लोग राज्य शासन गए थे, तो राज्य शासन ने हम 1.5 साल हम लड़ाई लड़कर राज्य शासन ने हमारा जो प्रस्ताव है वो पारित हमें हाँ कर दी थी कि आपको दुकान आवंटन मिलना चाहिए, हमारे पक्ष में फैसला आ गया था। तो इस परिषद की मीटिंग में ये 15 दुकानों का प्रस्ताव रखना था, तो किसी कारण से इन लोगों ने 15 की जगह 18 ही दुकान, जो 3 दुकान नहीं लड़े थे उनको भी इन्होंने इसमें रख दिया था, और एक का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो 17 दुकान और प्लस 1 18 का रख दिया था। तो हमें जो सूचना मिली थी कि 15 का प्रस्ताव पारित कर दिया है नगर पालिका ने, तो हम आज मैडम को धन्यवाद देने आए थे यहाँ पर पता चला मैडम की 3 विधिक राय लेना चाह रही है, तो उस 3 दुकानों में विधिक राय लेना चाहिए। मैडम भी यही कह रही है कि उन 3 दुकानों में विधिक राय लेना चाहिए, वो कर्मचारियों की गलती के कारण उसमें 18 लिखा गया है, तो 15 दुकानें तो देने का स्पष्ट डिसीजन आपके सामने मैडम बोल ही रही हैं कि 15 दुकानें तो हम आपको देंगे, क्योंकि शासन बड़ा है, शासन ने फैसला किया है तो शासन बड़ा है। तो ऐसी भी चर्चा है कि किसी सभापति ने वो 3 दुकानें रखवाई थी उस परिषद के प्रस्ताव में। नहीं, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। देखिए प्रोसीडिंग सॉरी जो निकलती है नगर सूचना, तो उस सूचना में तो जो कौन लिखा रहा क्या लिखा रहा वो हमें कैसे पता चलेगी, हम आम आदमी हैं। हमें ये पता था कि वहाँ प्रस्ताव हमारा पास हो गया, इसके लिए हम धन्यवाद देने आए थे मैडम को, तो धन्यवाद में मैडम ने ये कहा कि उसमें कुछ पेस फंसा हुआ है, क्योंकि उस क्रमांक 27 में जो हमारा मामला रखा था 28 में, उसमें शायद 18 लोगों का रख दिया था गलतीवश या जो भी है, तो मैडम कह रही है कि प्रोसीडिंग में जो है वो 15 का करके और आपको तो देनी ही है, आपके सामने भी बोला मैडम ने, तो इसीलिए हम धन्यवाद देने आए थे मैडम का। मेरा प्रमोद माहेश्वरी जी, अभी परिषद में एक संकल्प रखा गया था जिसके तहत जो हाट मैदान की दुकानें हैं उनके लिए एक प्रस्ताव आया था, उसमें परिषद में ये जानकारी मिली कि उसमें से जो एक दुकान है उसका कोई केस हाईकोर्ट में चल रहा है, तो इस वजह से हम संकल्प को पारित नहीं कर पाए थे। 15 दुकानों का जो कोर्ट केस जीता है, हम चाहते हैं कि हम उनको वो दुकानें दे दें जो माननीय जो न्यायालय ने जो डिसीजन लिया है
उसके लिए हम चाहते हैं, पर जो संकल्प 19 दुकानों का है वो हम पारित नहीं कर पाए थे। उनमें से 3 दुकानों के लिए कोई भी ऊपर न्यायालय में कुछ भी वो नहीं किया गया था, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। तो जो 4 दुकानें हैं, 19 में से जो 4 दुकानें हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि हम विधिक राय ली जाए, ताकि उसके लिए हम जो भी निर्णय कर सकें वो विधिक राय से हो। और 15 जो दुकानें हैं उनको हम पारित करेंगे, लेकिन चूंकि वो 19 का एक साथ संकल्प था तो उसमें हमें विधिक राय लेकर ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।